फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है डाइट फॉर विटिलिगो। दोस्तों, विटिलिगो माने सफेद दाग। आपकी चमड़ी के ऊपर जो भी पिगमेंटेड स्किन थी उसके अंदर से अभी कलर जाने लगता है, सफेद दाग पड़ने लगते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। इसके लिए काफी सारे लोग इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है उसके साथ में जो डाइट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लेता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ में अगर डाइट रिस्ट्रिक्शन अगर फॉलो नहीं की जाती तो ज्यादातर देखा गया है कि विटिलिगो में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आयुर्वेदिक में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर आप एलोपैथी को भी देखते हैं तो आप एलोपैथिक में आप जानते हैं कि विटामिन सी का प्रयोग आपके फेयरनेस के लिए किया जाता है, माने वो पिगमेंटेशन को घटाता है। तो अगर आप विटामिन सी जिसमें हाई है, जैसे कि साइट्रस फ्रूट है, नींबू है, ऑरेंज है, संतरा है, नारंगी है या आंवला है, ऐसी जो भी चीज जो विटामिन सी में बहुत ही हाई कंटेंट रखती है, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो पिगमेंटेशन आपका जल्दी नहीं आता है। तो वैसे ही डाइट का अगर आप रिस्ट्रिक्शन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखें, जिसमें हम आपको नॉर्मल जो हम लोग फॉलो करते हैं वो चीज आपको बताएंगे। इसके अलावा जो पिकल्स है, माने जो आपका स्टोर किया हुआ फूड है या पापड़ है, वैसी जो चीजें हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट में आप कर्ड है जो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इसका जो डाइट का प्रॉपर रिलेशन क्या है विटिलिगो के साथ में अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस से लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि ये सब चीजें खाने से बॉडी में ये चीजें हार्म करती हैं, तो ये नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको जो खाना चाहिए वो चीजों में क्या है, तो आप लीफी वेजिटेबल्स माने जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसको ज्यादा खाएं। इसके अलावा बीट रूट है, कैरेट्स हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपका जो अंदर एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाते हैं और आपको पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, तो बीट रूट्स ऐसा आप खा सकते हैं। नॉनवेज में रेड मीट ना खा के आप चिकन जो है वो खा सकते हैं, जो हफ्ते में एक आध बार आप ले सकते हैं। बाकी वेज फूड में आप जो अंजीर है या खजूर है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी मात्रा में कॉपर रहता है जो पिगमेंटेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। लोग ऐसा भी बिलीव करते हैं कि कॉपर के बर्तन में पानी रख के उसको पीने से भी आपकी पिगमेंटेशन की कैपेसिटी बढ़ सकती है। मैंने जैसे बताया ये सब चीजें साइंटिफिकली इतनी प्रूव नहीं है, क्योंकि विटिलिगो क्यों होता है वो ही आज तक आइडियली कोई ढूंढ नहीं पाया है। तो उसकी जो थियोरीज हैं या लोगों का एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से ये माहिती हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और इसके साथ में थोड़े से ये रिस्ट्रिक्शन या थोड़े से एडिशन अगर आप आपके फूड में करते हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। ये जो मैंने डाइट बताया वो सिंपल सी चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एलिगेंस क्लिनिक में हम मेडिसिन से, सर्जरी से विटिलिगो की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप विटिलिगो की ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो एलिगेंस क्लिनिक सूरत गुजरात में है, वहां पे आके आप पर्सनली हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो नीचे दिए गए नंबरों पे ऑनलाइन पेमेंट करके भी वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। और आपने आपका मूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।